हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर बेटर। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द आल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। लेट्स सी द बोर्ड एंड ओपन योर बुक। सी ऑन द पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो इज। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर कौन सा होता है जिस पर प्लांट ग्रो करता है? रॉक, सॉयल, ग्रेवल एंड ह्यूमस। सॉयल इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, सॉयल इज फॉर्म फ्रॉम। सॉयल किससे बनता है? सॉयल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, द डेड बिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन इन द सॉयल आर कॉल्ड ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 4, द वाटर ट्रैप इन द सॉयल इज कॉल्ड। वाटर ट्रैप सॉयल इज कॉल्ड मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। डू इट इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे और आंसर बोर्ड से देखकर करेंगे। ओके, ह्यूमस सॉयल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। रॉक के टूटने से क्या बनता है, ह्यूमस या फिर सॉयल? सॉयल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। सर्कल द सॉयल। क्वेश्चन नंबर 2, द टिनी स्मूथ स्टोन्स इन द सॉयल आर कॉल्ड ग्रेवल और सैंड। टिनी स्मूथ स्टोन्स सॉयल में जो प्रेजेंट होते हैं क्या कहते हैं? ग्रेवल। ग्रेवल इज सर्कल इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्ट क्ले हैज वेरी फाइन पार्टिकल। सिल्ट या फिर क्ले किसके फाइन पार्टिकल होते हैं? क्ले हैज ए वेरी फाइन पार्टिकल, सो क्ले इज ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4, एयर ट्रैप इन द सॉयल कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और बबल्स ऑन पोरिंग वाटर इन टू इट। सॉयल में ट्रैप्ड एयर हम लोग को दिखाई देता है किस फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में। सो सर्कल द बबल। ओके, लेट्स सी द पेज नंबर 42। ओपन योर बुक, पेज नंबर 42। लेट्स सी द पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक द करेक्ट वर्ड एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो करेक्ट है उसे आपको टिक करना है, जो रॉन्ग है उसे क्रॉस करना है। आप लोग अपने बुक में करेंगे इसे, बुक में गंदा नहीं करेंगे। जो रॉन्ग है उसे सिर्फ एक लाइन पेंसिल से खींच देंगे, कट कर लेंगे, और जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक कर लेंगे। ओके, लेट्स सी योर बुक एंड आंसर फ्रॉम दी बोर्ड। ओके, जस्ट वेट। Thank you.
that is false. Where you soil is hold a lot of water. Question number 3. Soil contains air and water both. Yes, it is true. The presence of dead plants and animals did not affect the formation of soil. Soil ke formation ko affect nahi karta. That is false. क्योंकि ये इफेक्ट करता है. डेड प्लांट और एनिमल जब मिक्स होता है सॉइल में तभी वो सॉइल बनता है. क्वेश्चन नंबर 5. सैंडी सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग मेज. यस, सैंडी सॉइल इज गुड फॉर मेज एंड बाजरा. दैट इज ट्रू. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. मैन्यूर. मैन्यूर क्या है? एनिमल वेस्ट. मैच द ऑप्शन नंबर सी, एनिमल वेस्ट. ह्यूमस इज ए डेड बिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमस क्या है? डेड बिट ऑफ प्लांट और एनिमल्स के डेड बिट है. ग्रेवल इज ए नॉट फिट फॉर प्लांट्स. ग्रेवल जो होते हैं वो प्लांट के लिए फिट नहीं होते क्योंकि इससे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग और कैपेसिटी कम होती है. फोर्थ, फोर्सेस ऑफ वेदर. फोर्सेस ऑफ वेदर विंड, वाटर, आइस एंड हीट की वजह से होता है. ओके. फाइव, लोम. बेस्ट फॉर प्लांट्स. लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट. प्लांट के ग्रो के लिए बेस्ट होता है. क्या क्वेश्चन किससे मैच करेंगे? बी से. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. पुट द ऑर्डर आउट. वाटर, क्लाउड्स, विंड, रेन एंड आइस. विच इज ऑड इन दिस? क्लाउड्स आर ऑड इन दिस. सो इट इज, सर्कल कर लीजिए या फिर इसको आप अपनी बुक में टिक कर सकते हैं. सिल्ट, सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड फर्टिलाइजर्स. विच इज ऑड इन दिस? फर्टिलाइजर्स आर ऑड इन दिस. ओके, क्रेनी, शैंडी, लोमी, क्लेई, सिल्टी. विच इज ऑड इन दिस? रेनी इज ऑड इन दिस. इन द प्रीवियस वीडियो we had thought about this in detail. Okay, I hope you understand betterly. That's all for today. This all exercise do in your book.